हाय गाइस, दिस आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है देयर। और गाइस, बेसिक इंग्लिश की सीरीज का ये लेक्चर नंबर 14 है। इससे पिछले 13 वीडियो लेक्चर्स में आपने काफी कुछ सीखा है। आज हम देयर के बारे में पढ़ेंगे। हम में से अधिकतर ये जानते हैं कि देयर का मतलब होता है वहां और हियर का मतलब होता है यहां। जब भी किसी सेंटेंस में वहां आता है तो आप देयर का यूज करते हैं। जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर। मैं वहां उससे मिला, आई मेट हिम देयर। वो वहां खेल रही थी, शी वॉज प्लेइंग देयर। तो देयर का यूज वहां के सेंस में। लेकिन कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर वहां लिखा नहीं होता है और वहां का सेंस आता ही नहीं है, फिर भी आप देयर का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को आज आप समझने वाले हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, उस जंगल में एक राजा था। इस सेंटेंस में वहां कहीं भी नहीं आया, लेकिन फिर भी जब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो आप कहते हैं देयर वॉज अ किंग इन दैट फॉरेस्ट। आपकी कार में कितना पेट्रोल है, इस सेंटेंस में भी वहां का कहीं कोई सेंस नहीं है, लेकिन जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो आप कहते हैं हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन योर कार। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपने देयर का यूज किया क्यों? और एक और सेंटेंस है, ओह देयर फाइनली आई हैव डन इट। इस सेंटेंस में देयर का क्या मतलब है, ये सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होता नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट, जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, नहीं है ऑब्जेक्ट, ऐसे केस में आप देयर का यूज करते हैं उस सेंटेंस में। कैसे? मान लीजिए एक सेंटेंस है, एक राजा था। जब भी आप किसी कहानी की शुरुआत करते हैं तो कैसे करते हैं? एक राजा था, या एक नल था, एक व्यक्ति था, एक बूढ़ा किसान था, इस तरह से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स कहेंगे जिसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? एक राजा के बारे में बात हो रही है। तो आप कहते हैं एक राजा, तो सब्जेक्ट है एक राजा। अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, एक राजा अ किंग था के लिए आप कहते हैं वॉज। अब सब्जेक्ट ये है वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? देयर का यूज कर लेंगे। अ किंग वॉज देयर, एक तो ये हो गया। और हमेशा ध्यान रखें, ऐसे सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट में देयर आ रहा है तो देयर और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह एक दूसरे से आप बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं देयर वॉज अ किंग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले गए। इसी तरह का एक सेंटेंस मैं आपसे कहता हूं, एक नल है, एक नल, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। अ टैप, है के लिए मैं कहता हूं इज। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे? देयर। और ठीक इसी तरह से आप देयर को सब्जेक्ट में यूज कर लेंगे और अ टैप जो कि सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट में ले आएंगे। सिंपल। अब मैं अगर आपसे कहता चार नल हैं, फोर टैप्स, चार नल हैं के लिए कहता हूं आर। अब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो मैंने कहा देयर, और या फिर देयर आर फोर टैप्स। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर, क्योंकि देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर ऑब्जेक्टिव पार्ट में कुछ भी नहीं है, आपने देयर का यूज करना है। अब जरा इन सेंटेंसेस में कुछ ऐड कर लेते हैं। ये सेंटेंस क्या था? एक राजा था। ये सेंटेंस एक नल है। ये सेंटेंस चार नल हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं जंगल में, उस जंगल में एक राजा था। उस जंगल में देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। कहां था? उस जंगल में, इन दैट फॉरेस्ट। मेरे स्कूल में एक नल है, ये सेंटेंस था एक नल है। अब मैं कहता हूं मेरे स्कूल में एक नल है।
इन माय स्कूल, मेरे स्कूल में चार नल हैं, देयर आर फोर टैप्स इन माय स्कूल। तो अब ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट अगर आप देखें, पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट, अगर इस सेंटेंस को शुरुआत में ही मैं आपसे ये कह देता कि मेरे स्कूल में चार नल हैं, मेरे स्कूल में चार नल हैं, तो आप इस सेंटेंस को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना सकते थे। कैसे? आप कह सकते थे फोर टैप्स, चार नल हैं, आर हैं, तब आप क्या कहते हैं, चार नल हैं सब्जेक्ट और मेरा स्कूल है ऑब्जेक्ट, फोर टैप्स आर इन माय स्कूल। अब ये तीसरा रूल देखिए, तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट्स विद अ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है एक प्रेपोजिशन से, प्रेपोजिशन जैसे इन, एट, ऑन। तो जब भी ऑब्जेक्टिव पार्ट प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, आप देयर का यूज उस प्रेपोजिशन से पहले कर देते हैं। आपने अक्सर सेंटेंस ऐसा देखने के बजाय ऐसा देखा होगा, फोर टैप्स आर देयर इन माय स्कूल। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसमें प्रेपोजिशन से तुरंत पहले आपने देयर का यूज कर लिया इस तरह से। ठीक यहां पर भी मैं ये कर सकता हूं, कैसे? अगर इस सेंटेंस को मैंने शुरुआत में आपको बोला होता कि उस जंगल में एक राजा है, था, यहां पर था है ना, मैं अगर आपसे कहता उस जंगल में एक राजा था, और फिर आपसे पूछता सब्जेक्ट कौन है, आप कहते किसके बारे में बात हो रही है, एक राजा के बारे में, तो आप कहते सब्जेक्ट है एक राजा और ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, उस जंगल में। तो इस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते थे, सब्जेक्ट है एक राजा, अ किंग, था कहां, उस जंगल में, इन दैट फॉरेस्ट। यहां पर जो वर्ब है वॉज, इसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किससे हो रही है, प्रेपोजिशन से। तो आपने अक्सर सेंटेंस ऐसा नहीं बल्कि यहां पर देयर का यूज देखा है। आप देखते हैं अक्सर सेंटेंस होता है अ किंग वॉज देयर इन दैट फॉरेस्ट, यानी देयर का यूज ऑब्जेक्टिव पार्ट में प्रेपोजिशन से तुरंत पहले। और जैसा कि मैंने आपको रूल बताया कि जब किसी सेंटेंस में देयर का मतलब वहां नहीं होता ना, नहीं होता है, जैसे यहां पर देयर का मतलब वहां तो नहीं था, यह सेंटेंस तो सिंपल था, एक राजा था। तो जब देयर का मतलब, देयर का सेंस वहां का नहीं होता है, तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर अ किंग वॉज देयर इन दैट फॉरेस्ट की जगह देयर को सब्जेक्ट में और अ किंग को ऑब्जेक्ट में आप ला सकते हैं। आप कह सकते हैं देयर वॉज अ किंग इन दैट फॉरेस्ट, देयर यहां आ गया, अ किंग यहां आ गया, देयर वॉज अ किंग इन दैट फॉरेस्ट। और इस तरह से आपने सेंटेंस अक्सर देखे भी होंगे, अभी आपसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से यहां पर देखिए, जैसे मैं कहता हूं ना, देयर इज अ टैप इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में एक नल है। इसी सेंटेंस को ऐसे भी तो बना सकते हैं, अ टैप, इसकी जगह को इससे रिप्लेस कर दिया, अ टैप इज देयर, देयर को यहां लिया, इन माई स्कूल। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि देयर का यूज जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में वहां का सेंस आए, लेकिन अगर उस सेंटेंस में, अगर उस सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट प्रेपोजिशन से शुरू होता है, तो आप प्रेपोजिशन से तुरंत पहले देयर का यूज कर सकते हैं इस रूल के मुताबिक। अच्छा यहां पर इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, ये सेंटेंसेस तो सेम ही है, इन सेंटेंसेस की अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे स्कूल में चार नल हैं, मेरे स्कूल में है यानी मेरे स्कूल के अंदर है। आपको ध्यान है सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 के वीडियो लेक्चर में, ये 14 नंबर का वीडियो लेक्चर है, इससे पिछले 13 वीडियो लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो आप इजीली समझ पाएंगे इस बात को। सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंसेस में ऐसे ही तो सेंटेंस था, मेरे स्कूल में है चार नल। इस तरह से भी तो सेंटेंस को बना सकते हैं, माई स्कूल हैज
मेरे स्कूल में है, इनके अंदर हैं फोर टैट्स। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, एक ही सेंटेंस को इस तरह से भी बना दिया, एक ये तरीका, फोर टैप्स आर देयर इन माई स्कूल, दूसरा तरीका, देयर आर फोर टैप्स इन माई स्कूल, तीसरा तरीका, और तीनों तरीके बिल्कुल सही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो तरीका यूज होता है वो ये होता है। यहां पर आपके सामने एट सेंटेंसेस हैं, हर सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि देयर का यूज हो रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके सामने एक सेंटेंस रखा जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में देयर का यूज एज एन इंटरजेक्शन हो रहा है, एज अ प्रोनाउन, एज एन एडजेक्टिव या फिर एज एन एडवर्ब, और आपको पहचानना होता है। तो पहचानना बहुत सिंपल है, अगर आपको पहले तो ये पता है कि इंटरजेक्शन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब होते क्या है। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन का मतलब है सिंपल फीलिंग, एक्सप्रेशन। किस चीज का एक्सप्रेशन? दुख का, खुशी का। आप किसी को शाबाशी देते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं, दुखी होते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, सभी तरह के एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। और इंटरजेक्शंस को पहचानना बहुत सिंपल है, एक्सक्लेमेशन मार्क वहां पर होता है। तो ये दोनों सेंटेंस किसके एग्जाम्पल है? इंटरजेक्शन के। यहां पर देयर का यूज एज एन इंटरजेक्शन किया गया है। अब पॉइंट ये है कि इन सेंटेंसेस का मतलब क्या है। देयर का यूज कहीं पे यहां पर वहां के सेंस के लिए नहीं किया गया। पहला सेंटेंस है देयर, फाइनली आई हैव डन इट। देयर ये एक्सप्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन है, एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ है। जब आप रिलीफ पाते हैं, आराम पाते हैं, जैसे आप कहते हैं ओह ओह देयर फाइनली आई हैव डन इट, फाइनली मैंने ये कर लिया, खुश हो जाते हैं आप, आपको एक रिलीफ होता है, आराम मिलता है इस बात से। दूसरा सेंटेंस देखिए, ओह देयर, ओह का यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नेटिव यूज करते हैं, कहीं नहीं भी करते हैं, लेकिन सेंस बिल्कुल सेम है। ओह देयर एग्जाम्स आर ओवर, एग्जाम्स ओवर हो गए, फाइनली एग्जाम्स अब खत्म हो गए, थैंक गॉड। ये जो थैंक गॉड, ये जो रिलीफ की जो एक्सप्रेशन है, इसके लिए देयर का यूज किया गया है। तो सेंस सिर्फ ये है कि एक्सप्रेशन हो रहा है किस चीज का? रिलीफ का। अब देखिए प्रोनाउन, पहले मैं आपको बता देता हूं ये दोनों सेंटेंस, देयर का यूज अगर मैं आपसे कहूं कि एज अ प्रोनाउन हुआ है, तो आप सोचेंगे कि एज अ प्रोनाउन कैसे कह सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, यहां पर आपने देयर को किस जगह पे प्लेस किया है? सब्जेक्ट की जगह पे। अब आप जरा सोचिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, या फिर जेरंड होता है और इन्फिनिटिव होता है। जेरंड और इन्फिनिटिव वर्ब की फॉर्म्स होती हैं जो कि एज अ नाउन वर्क करती हैं। तो जनरली हमेशा ये आप नोट कर लीजिए, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की जगह पे जो भी हो, वो हमेशा या तो नाउन है, प्रोनाउन है, जेरंड है, इन्फिनिटिव है। जेरंड इन्फिनिटिव तब है जब वो वर्ब की फॉर्म है, आई एन जी लग करके जेरंड बन रहा है, टू लगा देते हैं शुरुआत में, वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव है। यहां पर वर्ब का कोई रोल नहीं है, नाउन ये है नहीं, तो फिर ये क्या है? ये बच गया प्रोनाउन। अब इन दोनों सेंटेंसेस में देयर का यूज एज एन एडजेक्टिव हो रहा है, कैसे? कैसे यहां पर देयर का यूज एज एन एडजेक्टिव है? पहले सेंटेंस को देखिए, लुक एट दैट बॉय देयर। जब मैं कहता हूं लुक एट दैट बॉय, इतना कहना काफी था, ये तो सिर्फ ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया अभी मैं आपको बताता हूं। जब मैं कहता हूं लुक एट दैट बॉय, उस लड़के को देखो, और जब मैं कहता हूं लुक एट दैट बॉय देयर, उस लड़के को देखो, और उस लड़के को ना थोड़ा एम्फेसाइज किया, जोर दिया कि वही लड़का, वही, ये जो लड़का बॉय ये है एक नाउन, इसको थोड़ा और एम्फेसाइज किया और एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को, प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, पॉलिश करता है, थोड़ा उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको एम्फेसाइज करता है। तो यहां पर देयर, इसे एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया गया। देयर का कोई मतलब यहां पर वहां है नहीं कि वहां वहां उस लड़के को देखो, ऐसा नहीं है। उस लड़के को देखो, लुक एट दैट बॉय, इतना कहना काफी था, लेकिन लुक एट दैट बॉय देयर, थोड़ा उसको और एम्फेसाइज किया। ठीक इसी तरह से प्लीज आस्क दैट लेडी देयर, प्लीज आस्क दैट लेडी, कृपया उस लेडी को पूछो, इतना काफी था, लेकिन लेडी को थोड़ा सा, उसी लेडी को थोड़ा सा एम्फेसाइज किया कि उसी को पूछो और किसी को नहीं, उसी को पूछो। तो देयर का यूज किया, इसलिए देयर का यूज एज एन एडजेक्टिव हुआ।
इन दोनों सेंटेंसेस में एज एन एडवर्ब क्या मतलब है? देखिए सेंटेंस है यू कैन सिट, आप बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कहां बैठ सकते हैं? यू कैन सिट ओवर देयर, वहां बैठ सकते हैं। अगर ये सेंटेंस होता यू कैन सिट ओवर हियर, यहां बैठ सकते हैं, तो हियर वो भी क्या होता है? एज एन एडवर्ब होता है इस सेंटेंस में। तभी तो हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह का एडवर्ब है। और यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है ओवर का यूज, इसका कोई अलग से सेंस निकल के नहीं आता है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं यू कैन सिट देयर, आप वहां बैठ सकते हैं, यू कैन सिट ओवर देयर, आप वहां बैठ सकते हैं। बात एक ही है, ओवर का कोई खास यूज नहीं है, बस एक तरीका है जिस तरह से इंग्लिश नेटिव इसे बोलते हैं। इस सेंटेंस में भी देखिए लुक एट देयर, देखो, लेकिन कहां देखो? वहां देखो। लुक इस वर्ब को थोड़ा इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, देखो लेकिन कहां देखो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी इस वर्ड ने, तो वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला ये वर्ड बन जाता है एडवर्ब। और ठीक इसीलिए यहां पर भी सिट बैठो, बैठो लेकिन कहां बैठो? वहां बैठो। तो ये वर्ब है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी इस वर्ड ने, तो ये बन गया एडवर्ब। एडवर्ब होते क्या है? जो किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की या फिर किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं, हम कहते हैं ना क्वालिटी बताते हैं, यानी उसको मॉडिफाई करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं या उसको एम्फेसाइज करते हैं, वो होते हैं एडवर्ब। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखता हूं, इन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट्स में लिखिएगा, और एक एक सेंटेंस में देयर का यूज जरूर होगा और सही जगह पर आपको देयर का यूज करना है। इन सभी सेंटेंसेस के आंसर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट्स में ऊपर पिन करके रख दूंगा। पिन करने का मतलब ये होता है कि जब आप वीडियो के कमेंट्स में जाएंगे तो सबसे पहला कमेंट आपको मेरा दिखेगा, वहां पर इनके आंसर्स आपको दिखेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। बेसिक इंग्लिश की सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर एंड गुड बाय।